व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग आ जा रहे हैं उमरा करने, और आई एम ऑलमोस्ट रेडी. शावर वगैरह मैंने ले लिया है, खाना खा लिया है. अपॉइंटमेंट हमें मिली है रात की, लाइक एट नाइट. तो इंशाल्लाह हम लोग जा रहे हैं उमरा करने. लग रहा है मेरी एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. मतलब आई वॉज वेटिंग फॉर दिस मोमेंट सिंस ईयर्स. तो खैर, अभी ये तैयारी करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं और फिर इंशाल्लाह निकलते हैं. चले आ जाए बेटा, जरान कम कम आउटसाइड, कम आउटसाइड. हम लोग अभी होने लगे हैं रेडी. ये जो बैग है, आई विल कीप दिस विद मी, मेरी कैप है, और ये जहरान का बेबी बैग, इसको घर पे छोड़ेंगे. जहरान आ जाओ बेटा, चलो आ जाओ, कम 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 फास्ट. बाबा को बाय बाय करो. बाबा अस्सलाम वालेकुम. मैं हूँ मल्ला, आया हूँ. किधर आए हूँ? मल्ला.
اشهد ان لا اله الا الله. سلام كيكين. आधे पापा वेट करे बेटा, चल मामा कहाँ थी? हाँ तू फिनिश करो, तू तो कौन फिनिश करेगा? सो ज़हरान हैज गॉन टू स्लीप अल्हम्दुलिल्लाह. हम लोग अभी थोड़ी देर पहले उमरा करके आए हैं. इट्स ऑलमोस्ट 8 AM. रूट से कि रश बिल्कुल भी नहीं था, बड़े सुकून से हम लोगों ने उमरा किया. बहुत टायर्ड हूँ मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद मिलती हूँ इंशाल्लाह. तेरा नहरान बेटा, आ जाए बेटा, चले चले चले. ब्रेकफास्ट कब? थका हुआ ना मामा, प्लीज हेल्प. चलो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. मोर चाय. ओके बेटा, मोर चाय मामा, मोर चाय. ओके मामा, चाय को पीना. मामा इसमें डाल दे, इसे डाल दे, ये देखिए खराब हो गया, इसे डाल दे, दोबारा भी डाल दे. हां इसे डाल दे, इसे डाल दे, बिस्मिल्लाह. इसे डाल दो. हेलो व्हाट्सअप, अस्सलाम वालेकुम. सो अगेन दिस इज़ मगरिब का टाइम और मैं नमाज का वेट कर रही हूँ. एंड दिस इज़ द टाइम दैट आई एम गेटिंग टू रिकॉर्ड अ वीडियो, यू नो जस्ट अ लिटिल बिजी. मैंने सोचा मैं थोड़ी सी आप लोगों को अपडेट दे दूँ. हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह कल उमरा परफॉर्म किया था. एक्चुअली वी हैव बीन ट्राइंग टू डू उमरा फ्रॉम सिंस द डे आई केम हियर, पिछले 4-5 दिन से. लेकिन पहले ज़हरान थोड़ा सा बीमार हो गया था, यू नो यहाँ पे थोड़ी सी डस्ट से ज़हरान को एलर्जी है, तो हल्का सा वो स्नीजिंग वगैरह कर रहा था, हल्का सा फीवरिश था. फीवर तो अल्हम्दुलिल्लाह नहीं था, बट थोड़ा सा बीमार था. उसके बाद फिर हादी थोड़ा सा बीमार हो गया, अगेन सेम थिंग, एंड एक्चुअली इट रन्स इन द फैमिली. फिर मेरे पापा हो गए, फिर मामा हो गई, मैं बची रही. इसका रीज़न ये है कि मैंने पहले से ही मैंने कफ सीरप और एंटी एलर्जीज वगैरह लेनी शुरू कर दी. तो अल्हम्दुलिल्लाह उसमें 3-4 दिन लग गए 5 दिन लग गए. और हमने कल फिर पहले भी हम 1-2 अपॉइंटमेंट्स लेके हम कैंसिल कर चुके थे बिकॉज वी जस्ट कुडंट गो. बट कल रात हम फाइनली गए और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से हमने उमरा किया. बहुत पुरसकून था, बहुत ज़्यादा. आई मीन आई थिंक दिस वाज द बेस्ट उमरा ऑफ माई लाइफ. आई हैव बीन परफॉर्मिंग उमरा सिंस आई वॉज बॉर्न बिकॉज आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन सऊदी. लेकिन ये वाला जो उमरा था ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत मज़ा आया. सुकून से हम लोगों ने तवाफ़ किया था. रात हमने 12 से 2 बजे के दरमियान की हमने अपॉइंटमेंट दी थी. 2 बजे हम वहाँ पहुँचे थे, एंटर हो गए थे मस्जिद हरम में. बच्चे नीचे अलाउ नहीं थे, ये हमारी नॉलेज में बात थी. बट सो माई फादर टुक ज़हरान एंड हादी टू द फर्स्ट फ्लोर. वो लोग वहाँ चले गए और हमने ग्राउंड फ्लोर पे किया, मैंने और मेरे मामा ने. बट टू माय सरप्राइज व्हेन आई वेंट टू द हरम पार्क का जो है ग्राउंड फ्लोर जो है, वहाँ पे जब मैं तवाफ़ करने के लिए गई तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे छोटे बच्चे देखे. तो आई डोंट नो बट हैर एनीवे ये हुआ. उसके बाद फिर हमने सही की, फिर उसके बाद हमने सुकून से बैठ के थोड़ी देर इबादत की. फिर फजर का टाइम हो गया, फिर फजर पड़ी. उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से आए और इट वाज लवली, यू नो ऑल दोस मेमोरीज दैट आई यूज्ड टू गो टू मक्का सिंस चाइल्डहुड, वो सारी रिकॉल हो रही थी. और एकदम जाके ना यकीन नहीं आ रहा था, दिस वाज माय फीलिंग
जो फर्स्ट क्लिप है जो मैंने आपको बता दूंगी, जो मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने काबा देखा, तो आई एक्चुअली बिकॉज यू नो आई हैव शिफ्टेड फ्रॉम हेयर, तो मैं अब वीडियोस में ही ज़्यादा देखती थी टीवी पे, वीडियोस पे, तो एकदम देख के मुझे यकीन नहीं आया था कि दिस इज़ रियली हैपनिंग. तो वो एक फीलिंग थी जो बड़ी एक, और वहाँ जाके फिर अच्छा, उसके बाद फिर वहाँ जाके लगा था कि आई हैव ऑलवेज बीन हेयर. एक होता ना कि इट्स अ मिक्स फीलिंग, कि आपको लगता है कि जैसे पीपल हु कम फ्रॉम उमरा और विजिट वीज़ा, उनके लिए थोड़ा स्पैन होता है उमरा करने का, टाइम स्पेंड करने का मक्का मदीना में. लेकिन बिकॉज आई हैव बिन डूइंग इट सिंस आई वॉज बॉर्न, तो मुझे फिर थोड़ी देर के बाद लगना शुरू हो कि नहीं, आई हैव ऑलवेज बीन पार्ट ऑफ दिस. के फिर मुझे करना पड़ा कि नहीं, मतलब दिस इज़ प्रोबली द लास्ट टाइम आई एम परफॉर्मिंग उमरा, मे बी आई परफॉर्म वन मोर. बिकॉज द थिंग इज़ के यहाँ पे हज की वजह से उमरा परफॉर्म करने की लास्ट डेट जो है वो आई थिंक 13 या 14 जून है, उसके बाद वो उमरा के अपॉइंटमेंट नहीं देंगे. तो वी प्लान टू डू वन मोर उमरा इंशाल्लाह इंशाल्लाह. तो लेट्स सी, मेरे भाई का अभी तक वीज़े का इशू चल रहा है, वो इंशाल्लाह जैसे ही आते हैं तो फिर इंशाल्लाह वी प्लान टू डू इट. कि मैं प्लान करूँगी कि मैं 14 से पहले करूँ उमरा कर लूँ इंशाल्लाह. सो या अल्हम्दुलिल्लाह, जहरान ने भी काफ़ी इंजॉय किया. इसकी वीडियोज़ ही मेरे साथ नहीं था, मैंने इसकी कोई वीडियो नहीं बनाई है, मैं अभी पापा से लूँगी, इसमें इंसर्ट करूँगी. और अल्हम्दुलिल्लाह इट ऑल वेंट वेरी गुड, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है. मतलब आई हैव बिन प्लानिंग टू परफॉर्म उमरा सिंस 2020, जब कोविड आया था. उससे पहले मेरा प्लान था कि मैं उमरे पे आऊँ, लेकिन वो कोविड आ गया, फिर यू नो व्हाट हैपेंड. एंड देन दिस ईयर डॉक्यूमेंटेशन में इतना मसला हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था वीज़े का होगा नहीं होगा. पहले सुनने में आया था कि ये लोग 31 मई से जो है वो उमरा यू नो मक्का में एंट्री बंद कर देंगे, था कि नहीं वो अपॉइंटमेंट लेके आ पा सकते हैं. तो काफ़ी कह लेंगे काफ़ी स्ट्रगल के बाद उमरा ये वाला मिला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया. और बस अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, हम सब की इबादत कबूल करें. मैंने सबके लिए वहाँ दुआएं की थी, जिस जिसने मुझे बोला था, जो जो बोला था. ऑनेस्टली वहाँ जाके इतना याद नहीं रहता, लेकिन स्टिल अजान हो गई, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ. सीधे खड़े हो, सीधे खड़े हो, सीधे. माशाल्लाह से जहरा ने भी उम्रा किया था कल, है ना जहरा? ना कल कहाँ गए थे? बाबा हेलो.